तो 120 रुपए की यहाँ पे पर्ची कटी है पार्किंग की। तो अभी चलिए अंदर देखते क्या क्या है। और बड़ा पर्स आपको अलाउ नहीं है अंदर, अगर छोटा वॉलेट वॉलेट ला रहे हैं ये सारी चीजें अलाउ है, बट बड़ा पर्स अलाउ नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं वाघा बॉर्डर और अभी बजे हुए हैं 2:30, 3:30 से एंट्री, 3:30 तक आपको आना होता है और 4:30 बजे यहाँ पे जो परेड होती है जो भी होता है वो स्टार्ट होता है। तो हम आ चुके हैं, हमने गाड़ी पार्क कर दी है पार्किंग स्पेस से। 1 घंटा पहले आना होता है, 4:15 बजे विंटर्स में होती है। और कितने बजे तक खुला रहते हैं? 4:15 बजे विंटर, हाँ, 5:15 बजे हमारे 1.5 घंटे का होती है परेड। 1.5 घंटे की परेड होती है, तो चलिए देखते हैं अभी चलते हैं। अभी तो शायद कह रहे ये 50,000 गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हो जाती है, 50,000 सीट्स है अंदर, और अंदर 50,000 लोग के लोगों के बैठने की सीट्स है। और गाड़ियाँ देखिए कितनी पार्क है यहाँ पे, कितनी सारी गाड़ियाँ रखी है। तो चलिए चलते हैं, मेरा बहुत मन था कि कभी हम देखें और आज ये हम देखने आए फाइनली, तो चलते हैं। तो देखिए यहाँ से एंट्री है और वहाँ पे भी पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, हमारे इंडिया का नहीं लगा हुआ है, इंडिया का वहाँ लगता है शायद से। और तो चलिए चलते हैं, यहाँ से एंट्री स्टार्ट है। तो हम अंदर आ चुके हैं, बहुत लंबी लाइन थी बट बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टाइम लग रहा है। तो हमें 5 से 10 मिनट ही लगे अंदर आने में, ज्यादा टाइम नहीं लगा। और ये देखिए पीछे हमारे मेरे चेहरे से खुशी बता रही है कि मैं अकेली इतनी खुश हूँ देख देख के ये सारी चीजें। पाकिस्तान का रास्ता नहीं है, अरे बता रही हूँ मैं, जल्दी चलो सीट भी लेनी है भाई। और यहाँ पे खाने पीने की चीजें बाहर भी मिल रही है और अंदर भी मिल रही है। अंदर मैंने एक से पूछा तो वो कह रहे थे कि सीट्स पे भी पानी वगैरह देने आते हैं, यहाँ पे कैप भी मिल रही है आई लव इंडिया और इंडिया की, और यहाँ पे वो फ्लैग भी बना रहे हैं अपनी गाल पे कलर वलर से, अगर आपको बनवाने तो बनवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही है, कॉफी चाट सब कुछ मिल रहा है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आपको कि आपको मिलेगी नहीं सीट्स भी। अभी 5:30 बजे स्टार्ट होगा और अभी 3 बजे हुए हैं, 3 बज गए ना, तो अभी 3 बजे हुए हम, 3 बजे पहुंच चुके हैं। तो अभी बहुत टाइम है, 2.5 घंटे स्टार्ट होगा, 5:30 बजे खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो सिर्फ 1/2 घंटे की होती है। तो चलिए चलते हैं, सामने इंडिया लिखा मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इंडिया का झंडा बोला हमारा, देखिए वहाँ पे वो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। सामने इंडिया में आ रहे हैं, सामान लेके अपना इंडिया की तरफ आ रहे हैं। अभी इनके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हो रहे हैं, वीजा वगैरह जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं। जय जय वंदे मातरम, इनको
आ चुके हैं इंडिया में। आपको शायद इतना वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट दो तीन लेडीज हैं, बच्चे हैं। युद्ध के जवान एक ही समय में अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करें और आज के परेड का नेतृत्व कर रहे हैं श्री हरिंदर सिंह अच्छी सिंह मैदान और उनके साथ रहे सब इंस्पेक्टर अभिनव कुमार। केवल हमने आज के परेड के कार्यक्रम मंडल है मुख्य रक्षक विनय पाल विशेष योगदान है महिला प्रेमी काजल कुमारी और कमलेश कुमारी। आप सभी बच्चों से निवेदन है कि वे अपने स्थान पर बैठ गए आज के इस शानदार परेड का आनंद उठाएं। किसी भी अन्य नारे का प्रयोग न करें। साथ ही आप सभी दर्शकों से निवेदन है जब तक कि परेड खत्म ना हो सभी दर्शक अपने अपने स्थान पर बैठ गए। परेड समाप्ति के पश्चात ही अपने स्थान को छोड़े वह स्टेडियम से बाहर। जिसकी सदैव चौकन्ना निगाहों में भारतीय सीमा को अभेद दीवार में परिवर्तित कर दिया है। इतिहास गवाह है कि बीएसएफ के जवानों ने दुश्मनों के हर नापाक इरादे को चकनाचूर करने में सदैव
बस का विशेष ढंग। दर्शक अपने कीमती सामान मोबाइल और बस का विशेष ढंग। इधर जाने आप सभी दर्शकों के लिए मैंने इधर स्वच्छता और सफाई को ध्यान में रखते हुए पानी की खाली बोतल प्लास्टिक के जाले को उपयोग करने के बाद स्टेडियम में लगे हुए कूड़ेदान में डालने का टेस्ट करें, कूड़ेदान का प्रयोग करें, स्टेडियम में इधर उधर ना फेंकें एवं बीएसएफ के कर्मियों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें एवं बीएसएफ का सहयोग करें। धन्यवाद। Hey!
दर्शकों में हमें आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि वे राष्ट्रीय ध्वज उतारते समय ध्वज के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हुए हैं। साथ ही स्थान शांति बनाए रखें, किसी भी नारे आदि का प्रयोग न करें। वे दर्शक जो वर्दी में है उनसे निवेदन है कि वे राष्ट्रीय ध्वज को सलूट करें। अब आप मेरे साथ तीन बार हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे।
पहुंच रहे हैं, जो भी जैसे के स्टेडियम में उभर खड़े हैं, बिना भाई साथ तक अपने अपने स्थान पर अपने अपने कीमती सामान मोबाइल पर पुरस्कार विशेष जाने सभी कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, जो गए हैं वो भी बताइएगा, जो नहीं गए अब तक तो जरूर आइएगा अगर आप अमृतसर आ रहे हैं तो। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, टेक केयर, बाय, और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए हमेशा।